और आखिरकार मोटोरोला ने इंडिया में अपना एक और नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। बजट रेंज का स्मार्टफोन है, इसका नाम है मोटो E5 प्लस। और इस फोन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको 5000 mAh बैटरी मिलती है। तो चलिए बिना किसी देर की मैं आपको इस फोन की अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, उसके साथ साथ इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाऊंगा। अब मैं इसके बॉक्स को पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पर बॉक्स को मैंने खोल लिया है और इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ अभी, और तब तक मैं इसको बॉक्स कंटेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन है वो कवर के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, कुछ हद तक मोटो G6 की तरह दिख रहा है। एनीवे मैं इसको ऑन कर देता हूँ और साइड में रखता हूँ, और तब तक मैं आपको इसका बॉक्स कंटेंट भी दिखाता हूँ। इसके लेड को खोलते हैं हम। यहाँ पर कुछ नहीं दिया इसमें, यह आपको मिलेगा ये सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल है, ये इसका पावर अडैप्टर जो कि 5.2 वोल्ट 2 एम्पियर का है। पैकिंग काफ़ी अच्छी की है मोटोरोला ने इस बार इस बॉक्स के अंदर। microUSB केबल मिलती है और ईयरफोन्स भी हैं इसके साथ साथ। फिलहाल अभी हम ईयरफोन की क्वालिटी को जज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक ईयरफोन्स हैं। अच्छी बात यह है कि ईयरफोन्स मिल रहे हैं, बिकॉज बहुत सी कंपनी आपको ईयरफोन्स देती नहीं है। तो देख सकते हैं कि जब आप स्मार्टफोन को खरीदेंगे ये सारी एक्सेसरी आपको इस बॉक्स के साथ मिलेगी। अब इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की शुरुआत इसके डिज़ाइन से करते हैं। सबसे पहले इसका बैक पैनल देख लेते हैं। कंपनी ने इसमें फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया है, इस वजह से इसकी लुक्स काफ़ी एनहांस हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साइड्स हैं वो कर्व्ड हैं, इसलिए इसमें आपको एक अच्छी ग्रिप भी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर मोटोरोला का लोगो दिया है और यही फिंगरप्रिंट सेंसर है, और हमेशा की तरह इसमें आपको ये राउंड शेप में कैमरा मिलेगा यहाँ पर। वहीं राइट साइड पर आप देखेंगे तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर की मिलेगी, जबकि लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे दी है। और अब मैं आपको सिम ट्रे को खोल के दिखाता हूँ कि इसमें कैसा स्लॉट है। तो एक बार हम इसकी सिम ट्रे को खोल लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का इस्तेमाल किया है कंपनी ने, काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात करें इसके डिस्प्ले की, तो हालांकि ये एक फुल विजन डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, इसमें आपको 6 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, लेकिन फिर भी बेजल काफ़ी बड़े हैं। और अगर कंपनी इसको छोटा कर देती बेजल को तो शायद थोड़ा फ़ोन कॉम्पैक्ट साइज़ का हो जाता, पर अभी फ़िलहाल ये बड़ा है और शायद एक हाथ से इसको यूज़ करने में आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इसके हम इंटरनल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो कंपनी ने इसमें दिया है स्नैपड्रैगन का 430 चिपसेट, साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी 3GB रैम के साथ 32GB की स्टोरेज, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पर इस फोन की जो सबसे हाईलाइट बात है वो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, वो है इसकी बैटरी। इसमें आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी जो कि 10W के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। इसके साथ साथ इसमें कंपनी ने दिया है 12 MP का रियर कैमरा। मैं एक बार कैमरा ओपन करके दिखाता हूँ आपको। शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है। वहीं फ्रंट में आपको 5 MP का सेंसर मिलता है। LED फ्लैश लाइट भी दी गई है। एक बार हम रियर कैमरा में दोबारा जाते हैं, वीडियो क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। और देखते हैं कि वीडियो क्वालिटी का क्या साइज है। तो आप इसमें फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ साथ ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है जो कि नियर स्टॉक है, और इसमें भी आपको मोटो के फीचर्स मिल जाते हैं। एक बार दिखा देता हूँ आपको मोटो एक्शंस और मोटो डिस्प्ले। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर है इस प्राइस रेंज में, पर अदरवाइज इस फोन के स्पेसिफिकेशन आपको पसंद आएंगे। पर एनीवे इस फोन के रिव्यू के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में खरीदने लायक है या नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस फोन का रिव्यू दिखाऊं तो प्लीज़ आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में लिखें।
और अगर आप इस फोन के साथ किसी और फोन का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप इस फोन को ईएमआई पर खरीदने का विचार बना रहे हैं और आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप इसे जेस्ट मनी के थ्रू अमेजोन से 3 महीने की ईएमआई पर 0% इंटरेस्ट पे आसानी से खरीद सकते हैं। और हाँ, हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।